हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस भोजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक करी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं। इसके छिलके उतार कर रख लिया है। अंडों के साथ मैंने प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती और 2 हरी मिर्च ली है। प्याज और टमाटर को मैंने गोल शेप में काट लिया है। अंडों को भी मैं बीच से काट लूंगी, इस तरह से नाइफ की सहायता से उसे बीच से काट लेंगे। सारे अंडों को काट कर उसे रख लेंगे। अब कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फिर एक एक अंडों को कढ़ाई में डालेंगे फ्राई होने के लिए। अंडों को कटे हुए पार्ट की तरफ से तेल में डालना है, जिससे वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए, ये अंडे फ्राई हो रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर हम डाल लेंगे, इससे अंडों का कलर काफ़ी अच्छा आता है। जब अंडे एक साइड से फ्राई हो जाएं, तो उसे चम्मच की सहायता से धीरे धीरे पलट लेंगे, जिससे कि वो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएं अच्छी तरह से। देखिए, ये सारे अंडे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसे अब हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए तेल में कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डाल लेंगे और उसे हल्का भून लेंगे। इसमें ज़्यादा प्याज मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैंने प्याज को मिक्सर ग्राइंड में पीस कर डाला है। देखिए, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब मैंने पीस कर डाला है। इसे सीम आँच पर 5 मिनट तक भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए, तो उसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ये सब डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, सीम आँच पर ये कैसे भूनने जा रहे हैं। इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। जब मसाले में से तेल अलग होने लगे, तो उसमें हम पानी ऐड करेंगे। साथ ही गर्म मसाला भी डाल लेंगे। और उसे उबाल आने के लिए गैस को थोड़ी तेज कर देंगे। देखिए, ग्रेवी में उबाल आने लगा, तो उसमें एक एक कर सारे अंडों को डाल लेंगे और 2 मिनट तक उसे खोलने देंगे, जिससे कि ग्रेवी अच्छे से अंडों के बीच में मिल जाए। ऊपर से हरी धनिया डाल लेंगे
और ये मेरी अंडे की सब्जी या एक करी खाने के लिए तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे आप गर्म गर्म रोटी पराठा पूरी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।